बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद होमी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार बनने वाले चिकन एग बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी अब मैं आपको चिकन एग बर्गर के इन्ग्रीडियंट बता देती हूँ यहाँ पर मैंने तीन अंडे लिए हैं एक छोटा बन्दगोभी का फूल बारीक स्लाइस में कट कर लिया है दो चिकन ब्रेस्ट लहसुन अदरक डाल के मैंने बॉईल कर लिया और श्रेड कर लिया एक प्याज़ मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है इसके अलावा हमें काली मिर्च शामिल करनी है इसके अंदर आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा नमक ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा सोया सॉस वन टेबल स्पून और चिली सॉस भी वन टेबल स्पून शामिल करेंगे हम इसके अंदर अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने मिक्सचर कैसे तैयार करना है यहाँ एक पैन के अंदर मैं दो टेबल स्पून ऑयल के शामिल कर रही हूँ ज़्यादा ऑयल नहीं शामिल करना हमने ऑयल गर्म हो गया अब मैं इसके अंदर स्लाइस में कट किया हुआ प्याज़ शामिल कर रही हूँ इसको बारीक कट कीजिएगा मोटा प्याज मत डालिएगा अब इसको अच्छी तरह से मैं फ़्राई कर लूँगी जब तक इसका हल्का सा कलर नहीं आ जाता दो से तीन मिनट में ये बिल्कुल फ्राई हो जाएगा और फिर हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे इसके अंदर प्याज़ को मैंने दो मिनट तक फ्राई कर लिया है इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल करूँगी ये दो चिकन के ब्रेस्ट थे जिनको मैंने एक कप पानी के अंदर वन टी स्पून लहसन अदरक का पेस्ट डाल के बॉइल कर लिया था पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया था और इसको ठंडा होने पर मैंने छोटे छोटे पीसीज में कर लिया श्रेड कर लिया इसको चिकन को मैंने फ्राई कर लिया प्याज़ में अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी नमक नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा यहाँ पे मैं क्वार्टर टी स्पून नमक शामिल कर रही हूँ क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है तो नमक तेज़ ना हो जाए इसलिए आप नमक कम इस्तेमाल कीजिएगा हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ इससे बर्गर का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार बर्गर तैयार होंगे अब मैं चिकन के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे चिकन में अच्छे से मसाले हो जाएँ अंडों को फेंट लेते हैं इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल किया मैंने नमक शामिल कर रही हूँ मैं और अब अंडों को अच्छे से फेंट लेती हूँ अंडों को शामिल करने से पहले अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा क्योंकि फिर वो अच्छी तरह सारे चिकन के अंदर स्प्रेड हो जाएगा चिकन को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर सोया सॉस शामिल कर रही हूँ वन टेबल स्पून सोया सॉस शामिल कर दिया अब मैं वन टेबल स्पून चिली सॉस का शामिल कर रही हूँ इसमें बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट जाते हैं और इससे बर्गर बहुत ही मज़ेदार बनता है समटाइम आप बहुत ही थोड़ी चीज़ें डालने से एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बना लेते हैं तो आप ये बर्गर ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे उम्मीद है कि घर में बच्चे इसे बहुत ही शौक़ से खाएंगे साथ फ्राइज़ बना लीजिएगा चिकन को मैंने दो मिनट तक फ्राई कर लिया था आप देख लें इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही कम ऑयल में बनते हैं ये बर्गर और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं डाइट वाले लोगों के लिए भी ये बहुत ही आइडियल हैं अगर ये इसी तरह अंडा और चिकन मिला के खाएँ तो वेट लॉस में भी ये बहुत मदद देता है अब मैंने चिकन को सारे को पैन में फैला दिया था अब मैं इसके ऊपर सारा अंडा स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से ताकि अंडा और चिकन साथ ही पकें और इससे एक बहुत ही बेहतरीन बेस्त तैयार होगी बर्गर के लिए और ये बहुत ही डिफरेंट लग रहे होंगे आपको इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेजरमेंट वही रखिएगा जो मैंने आपको बताई है उससे आप बहुत इन्जॉय करेंगे इस बर्गर को अब इसको कवर करके पकाऊंगी मैं हल्की आंच पे पाँच मिनट तक कवर देके इसको पकाया है अंडा बहुत अच्छे से पक गया है और बर्गर की बहुत ही मज़ेदार फिलिंग तैयार हो गई है अंडा टोटली पक चुका है चिकन हमारा पहले ही गला हुआ था यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि अंडा हमारा अच्छा सा पक गया है ये देखें बहुत ही बेहतरीन अंडा पक के तैयार हो गया है अब मैं बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है इस टाइम पे जब अंडा बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए चिकन के साथ मैं शामिल करूँगी बंद गोभी स्टोव मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है चूड़े की आग बिल्कुल बंद है इसके ऊपर मैं अच्छे से बंद गोभी फैला रही हूँ इससे एक बहुत ही क्रंची सा मज़ेदार सा बर्गर तैयार होगा सारी बंद गोभी मैं अच्छी तरह इसके ऊपर फैला रही हूँ और इसको कवर कर रही हूँ बंद गोभी बिल्कुल प्लेन है इस पर मैं हल्का सा चुटकी नमक का शामिल कर रही हूँ एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर मैं ऊपर से शामिल कर रही हूँ ताकि बंद गोभी बिल्कुल प्लेन ना रहे और थोड़ी सी अप हो जाए इस फिलिंग से आप आठ बर्गर तैयार कर सकते हैं यहाँ पे मैंने चार ले लिये हैं यहाँ मैंने एक पैन में बर्गर रखती हैं इनको हमने बिल्कुल ड्राई टोस्ट करना है ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना और जिससे ये बर्गर बहुत ही क्रंची से मज़ेदार तैयार होंगे बंद गोभी थोड़ी सी सॉफ़्ट हो गई है अब मैं इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हमें स्प्रेड करने में आसानी हो और बंद गोभी चिकन और अंडा सब अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए इससे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी फीलिंग तैयार होगी मुझे उम्मीद है कि आपने इस तरह के बर्गर पहले नहीं खाए होंगे तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक मिनट के बाद बर्गर एक साइड से अच्छे से टोस्ट हो गए हैं ये बहुत ही क्रंची और मज़ेदार बर्गर बनते हैं तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एग चिकन की फिलिंग को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें बंद गोभी अंडा और चिकन अच्छे से मिक्स हो गया ये बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर की फिलिंग तैयार हो गई है सारी चीज़ें रेडी हैं अब बर्गर तैयार कर लेते हैं बर्गर टोस्ट कर लिए हैं मैंने इसके अलावा हमें केचप चाहिए मेयोनीज चाहिए और ये फिलिंग हमारी बिल्कुल तैयार है यहाँ मैं मैंने बर्गर की एक साइड ले ली है और इसके ऊपर मैं मेयोनीज़ लगा रही हूँ अच्छी तरह मयोनीज़ स्प्रेड कर दूँगी मैं किनारों पे भी अच्छे से लगा लूँगी थोड़ी सी म्योनीज और ले लेती हूँ मैं साइडों पे किनारों पे अच्छे से लगा लीजिएगा अच्छे से म्यूनिज लगा दिए मैंने अब मैं दूसरा हिस्सा ले लूँगी बर्गर का और उसके ऊपर मैं केचप लगा रही हूँ इसके ऊपर तकरीबन वन टीस्पून केचप का लग जाएगा अच्छे से किनारों पे फैला के मैं लगा रही हूँ आपकी मर्ज़ी है आप म्योनीस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं कैचअप अपनी मर्ज़ी के साथ शामिल कर सकते हैं तो ये दोनों तैयार कर लिए हैं मैंने अब मैं बर्गर के नीचे वाले हिस्से के ऊपर चम्मच की मदद से फिलिंग रख दूँगी आप अच्छा जनरस अमाउंट शामिल कीजिएगा फ़िलिंग का थोड़ा सा मैं और रख देती हूँ फिलिंग को ये इनफ़ रहेगी आप देखेंगे कि ये बहुत ही डिफ़रेंट लगेंगे आपको बहुत ही डिफ़रेंट रेसिपी लगेगी तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही लाइट और मज़ेदार बनते हैं थोड़ी सी मैं मेयोनीज ऊपर से डाल रही हूँ ये ऑलरेडी बहुत ही जूसी बर्गर है तो इसमें आपको और ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दूसरा मैंने पीस रख दिया ऊपर ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा चिकन बर्गर तैयार हो गया है आपको मैं एक और बर्गर बना के दिखा देती हूँ सबसे पहले बॉटम में मेयोनीज लगाऊंगी मैं अच्छे जनरस अमाउंट में लगा रही हूँ मैं मेयोनीज लग गया अच्छे से अब मैं दूसरा पीस ले रही हूँ इसके ऊपर मैं कैचअप लगा लूँगी साइड्स पे किनारों पे अच्छे से कैचअप को अच्छी तरह फैला लीजिएगा किनारों तक मैं कैचअप लगा रही हूँ बिल्कुल कैचअप लग गई है किनारों पे, अब इसके अंदर फिलिंग शामिल कर देंगे यहाँ मैं चम्मच की मदद से फिलिंग शामिल कर रही हूँ बॉटम बर्गर पे मैं फिलिंग डाल दूँगी अच्छे से इसको अच्छे से साइड्स पे कवर कर दूँगी थोड़ी सी फीलिंग और डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर बर्गर्स के साथ मैंने कुछ फ्राइज सर्व कर दिए हैं बर्गर और चिप्स का बहुत ही गहरा रिश्ता है और चिप्स के बगैर बर्गर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते साथ ही मैंने थोड़ी सी केचप सर्व कर दी है और बच्चों को तो खास तौर तो पे बर्गर और चिकन बहुत ही पसंद आते हैं तो आप बच्चों को ये ज़रूर बना के दीजिएगा उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आएगी और आप चिकन एग बर्गर ज़रूर घर में ट्राई करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें और वीडियोज़ को आखिर तक ज़रूर देखा करें लाइक और शेयर भी किया करें अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफ़िज